आज बनाते हैं ठेले वाला जैसे बनता है ना चीज़ी ऑमलेट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें डाला ये घी, डाला देसी घी घर का बना हुआ, और फिर डाला मैंने प्याज, टमाटर और कैप्सिकम, और हरी मिर्चें भी डाली। कैप्सिकम के साथ ही हरी मिर्चें हैं देखो। वो डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स किया, मतलब इसे अच्छे से सौते कर लो। फिर थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने सॉल्ट डाल दिया, ज़्यादा हम लोग मसाला ही डालेंगे, नॉर्मल मसाले के साथ बनाएंगे। और इन सबको ना अच्छे से मिलाया, और फिर जब ये अच्छे से हो गया ना, मतलब सौते, मतलब सॉफ्ट होगी सब्ज़ियाँ हमारी, तो हम इसे अलग निकाल लेंगे एक बर्तन में। मैंने एक बड़े से कटोरे में निकाल लिया इसे। उसके बाद मैं सिर्फ एक अंडे का ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ही खाना है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अंडा डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर हमने सेम पैन लिया, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला, और डालने के बाद उसे मेल्ट किया अच्छे से, और जो हमारे वाला मटेरियल था ये डाल दिया। उसके बाद इसे थोड़ी देर कुक होने दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रेड ली, उसे मिडिल से कट किया और वो इसके साइड ऐसे करके लगा दिया। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गई, इसको ना डिप करके लगाना था कि दूसरी साइड पर भी ये वाला मटेरियल लगे। खैर कोई नहीं, उसके बाद फ्लिप किया। फ्लिप थोड़े आराम से करना, वरना ऐसा सीन होगा जैसे मेरे साथ हुआ। फिर बस एक मैंने चीज़ स्लाइस रखा, और फिर दूसरे ब्रेड को उसके ऊपर रखा, और बस इसे अच्छे से सेका, और काटो पीटो और आपकी चीज़ी ऑमलेट रेडी है, उसे खा जाओ। बहुत अमेजिंग बनी थी, ट्राई करना। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद मैंने इसे प्लेट में निकाला, थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ मेल्ट होके गिर गई थी तो मैंने उसके ऊपर लगा दी ब्रेड के। वेस्ट क्यों करनी, हमें तो खानी है। उसके बाद ये देखो है ना कितना मस्त, बहुत चीज़ी, बहुत क्रीमी बना था। ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट तो भर भर के करना। ओके जी, चलो ओके, बाय 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 गाइस।